तो गाइज हर बंदे का डिवाइस अलग होता है और उसका प्लेइंग स्टाइल भी अलग होता है गाइज, यह बात हमको पता होता है। फिर भी गाइज इसके बावजूद भी हम किसी बड़े यूट्यूबर का जीरो रिकॉल देख करके सोचते हैं कि इसको सेंसिटिव कॉपी करने के बाद हमारा भी जीरो रिकॉल हो जाएगा गाइज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि गाइज बड़ा यूट्यूबर जो होता है ना गाइज वो अपने सेंसिटिविटी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बनाता है गाइज। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने जीरो रिकॉल सेंसिटिविटी खुद से कैसे बना सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज बात करते हैं सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में, क्योंकि गाइज ये नॉन जीरो प्लेयर और जीरो प्लेयर दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब गाइज अगर आप इसको 0% कर दोगे ना तो आप अपने थंब से एम ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे गाइज। वहीं गाइज अगर आप इसको 300% कर देते हो ना तो गाइज आप थोड़ा सा स्क्रीन पे थंब से रोटेट करोगे और आपकी पूरी स्क्रीन जो है रोटेट हो जाती है गाइज। बात करते हैं गाइज आप इसका सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो गाइज। सबसे पहले आपको इसको 100% कर देना है, उसके बाद में आपको सामने की साइड पे टारगेट दिख रही है, इसके बाद में आपको एक एक करके इनके ऊपर में एम ट्रांसफर करना है गाइज। अगर आपका एम थोड़ा आगे चले जाता है टारगेट से तो गाइज आपको 5 माइनस कर देना है, और अगर आपको पीछे रह जाता है तो आपको 5 प्लस कर देना है। बात करते गाइज स्कोप्स की कैमरा सेंसिटिविटी कैसे काम करती है। अब गाइज अगर आप लोग किसी भी स्कोप की सेंसिटिविटी जो है लो कर देते हो तो गाइज आप जो स्कोप इन करके एम ट्रांसफर करते हो तो गाइज वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे गाइज। गाइज अगर आप इसको 300 कर देते हो तो गाइज आप थोड़ा सा एम ट्रांसफर करोगे आपकी पूरी स्क्रीन मूव हो जाएगी। अब गाइज इसका भी सेंसिटिविटी बनाने के लिए गाइज आपको इसको 100% कर देना है, और 100% करने के बाद में आपको गाइज इसको एम ट्रांसफर करके देखना है, और एम ट्रांसफर करने के बाद अगर आपका एम आगे चला जाता है तो आपको 5 माइनस करना है, और अगर आपका एम पीछे रह जाता है तो आपको 5 प्लस करना है। बात करते गाइज आप एडीएस का सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। अब एडीएस का यूज किधर पर होता है गाइज मैं आपको बताता हूं। एडीएस सेंसिटिविटी का यूज गाइज जब होता है जब आप फायर करते हुए एम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब गाइज इसका भी सेंसिटिविटी बनाने के लिए गाइज अगर आपका एम आगे जा रहा होगा तो आपको 5 माइनस करना है, और अगर आपका एम पीछे रह रहा होगा तो आपको 5 प्लस करना है गाइज। आपको ऐसे ही करके इसके स्कोप को भी सेंसिटिविटी बना देना। बात करते गाइज आप जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो गाइज। इसके लिए आपको ट्रेनिंग राउंड स्टार्ट करना है, इसके बाद में आपको आगे की साइड पर 4 टारगेट्स देखने को मिलेंगे, इसके बाद में आपको बिना थंब के जायरोस्कोप से ही फोन को मूव करना है। अब गाइज अगर आपका एम आगे की साइड पर जा रहा है तो आपको 10 माइनस करना है, और अगर आपका एम पीछे की साइड पर रह जा रहा है तो आपको 10 प्लस करना है गाइज। अब बात करते हैं जायरो की स्कोप सेंसिटिविटीज के बारे में गाइज। इधर पर आप जैसे ही स्कोपिंग करने के बाद एम ट्रांसफर करते हो ना गाइज, अगर गाइज आप इसको 0 कर दोगे तो आप एम ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, और वही अगर आप इसको 300 कर दोगे तो गाइज थोड़ा सा फोन को मूव करने पर आपका पूरा एम जो है ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा एम जो है बिगड़ जाएगा गाइज। तो आप इसका सेंसिटिविटी 10 प्लस 10 माइनस करके आराम से बना सकते हो।